बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यामी की छोटी सी दुनिया में आप सबका स्वागत है, तो आएं और यामी की छोटी सी दुनिया में शामिल हो जाएं। रब्बि इशरह ली सदरी व यसर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अजीजों, कुरान मजीद की बहुत बड़ी फजीलत है और इस कुरान मजीद में एक सूरा ऐसी है जिसकी फजीलत के क्या कहने। इस सूरह के बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा हुआ था कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, सूरह बकरा सीखो, इसे सीखना बाइस बरकत है और छोड़ना बाइस हसरत है, जादूगर इस पर असरअंदाज नहीं हो सकते। जिस घर में सूरह बकरा की तलावत होती रहे उस घर में शैतान जिन दाखिल नहीं हो सकता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए इस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता। इसे तिर्मिज़ी ने रवायत किया है। सूरह बकरा की तलावत और समाअत जादू का बेहतरीन इलाज है। कोई जादूगर सूरह बकरा पर गालिब नहीं आ सकता। सूरह बकरा की तलावत करने से घर में खैर व बरकत रहती है। सूरह बकरा की तलावत तर्क करने से घर खैर व बरकत से महरूम हो जाता है। कयामत के रोज सूरह बकरा अपने पढ़ने वालों की मगफरत के लिए अल्लाह ताला से झगड़ा करेगी। हज़रत अबू इमामा बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि कुरान पढ़ा करो, वो क़यामत के रोज़ अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगा, खुसूसन दो रोशन सूरतों की तलावत करो, सूरह अल-बकरा और सूरह आले इमरान क़यामत के रोज़ इस तरह कतार में आएंगी जैसे दो बादल हैं या दो साहिबान हैं या जैसे कतार में उड़ते परिंदों की दो टोलियाँ हैं। पढ़ने वालों की तरफ से झगड़ा करेंगी। सूरह बकरा ज़रूर पढ़ा करो, इसका पढ़ना बाइस बरकत है और इसका छोड़ना बाइस हसरत है और जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। सूरह बकरा कुरान मजीद की चोटी है। जिस घर में सूरह बकरा की तलावत की जाए शैतान इस घर से भाग जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की एक चोटी होती है और कुरान मजीद की चोटी फजीलत और अजमत के एतबार से सूरह बकरा है। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए शैतान सुनते ही इस घर से भाग जाता है। इसे हाकिम ने रिवायत किया है। रोज़ क़यामत सूरह अल-बकरा और सूरह आले इमरान कुरान मजीद की क़यादत करती हुई आएंगी और अपने पढ़ने वालों की बख्शिश के लिए अल्लाह ताला से झगड़ा करेंगी। सूरह बकरा की आखिरी दो आयात की इतनी बड़ी फजीलत है कि रात को सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी दो आयात पढ़ने वाला हर आफत से महफूज रहता है। हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रात के वक्त सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी दो आयात पढ़ ली वो इसके लिए काफ़ी होंगी। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। सूरह बकरा की आखिरी दो आयात जादू का असर ख़त्म करने की ज़बरदस्त तासीर रखती है। जिस घर में मुसलसल तीन रात सूरह बकरा की आखिरी दो आयात पढ़ी जाएं, शयातीन इस घर के करीब भी नहीं फटक सकता। हज़रत नेमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक से 2000 साल पहले एक किताब लिखी और इसमें से दो आयात उतारी जिन पर सूरह बकरा ख़त्म होती है। अगर ये आयात मुसलसल तीन रात तक पढ़ी जाएँ तो शैतान इस घर के करीब भी नहीं फटकेगा। इसे तिर्मिज़ी ने रवायत किया है। सूरह बकरा की आखिरी दो आयात पढ़कर अल्लाह ताला से जो हाजत तलब की जाए वो पूरी होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक रोज़ जनाब जबरील अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि उन्होंने ऊपर से दरवाज़ा खुलने की ज़ोरदार आवाज़ सुनी और अपना सर उठाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि यह आसमानों के दो दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। इससे एक फरिश्ता नाजिल हुआ है जो आज से पहले कभी ज़मीन पर नाजिल नहीं हुआ। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो नूर मुबारक हों, आपसे पहले ये नूर किसी नबी को अता नहीं किए गए। फातिहा अल-किताब और सूरह बकरा की आखिरी दो आयात, जो शख्स ये दो आयात पढ़ेगा इसे इसकी मांगी हुई चीज़ ज़रूर दी जाएगी। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो मेरे अजीज़ों, आज हमने सूरह बकरा की फजीलत के बारे में जाना। तो मेरे अजीज़ों, ज़रूर ज़रूर सूरह बकरा की दो आयात, आखिरी दो आयात रात में किसी वक्त भी पढ़ लिया करें, क्योंकि ये हमारे लिए शिफा है।
और इसे पढ़कर हम अपने परवरदिगार आलम से जो भी तलब करेंगे, जो दुआ मांगेंगे, वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होगी। तो इस दो आयात के बारे में तो हमने जाना कि इसकी कितनी बड़ी फजीलत है, लेकिन इसके अलावा पूरा कुरान हमारे लिए फजीलत व हिदायत का बायस है। पूरा कुरान हमारे लिए शिफा और हिदायत है। हमारा रब फरमाता है, ऐ मोहम्मद कहो ये कुरान ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और शिफा है। ये आयत सूरत हामीम सजदा की आयत नंबर 44 है। और सूरह बनी इसराइल में मेरा रब फरमाता है, और हम कुरान में जो कुछ नाजिल करते हैं वो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है, मगर जालिमों के लिए कुरान खसारे के अलावा किसी चीज़ में इजाफा नहीं करता। इसी तरह मेरा रब सूरह यूनुस में फरमाता है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत और दिलों की बीमारियों के लिए शिफा आ गई है। तो इन आयतों से हमें पता चलता है कि कुरान शरीफ की कितनी बड़ी फजीलत और अजमत है। इन आयात के अलावा बहुत सी अहादीस हैं जिनसे हमें कुरान शरीफ की अजमत और फजीलत का पता चलता है। कुरान मजीद अजीम है और हमेशा अजीम रहेगा। हर तरह की हमद सना सिर्फ इस ज़ात के लिए जिसने किताब हिदायत नाजिल फरमाई, और बेहद व बेहिसाब दरूद सलाम उस हस्ती पर जिसके ज़रिए कुरान मजीद हम तक पहुँचा, और सलात व सलाम इन पाकबाज हस्तियों पर जिन्होंने कुरान मजीद की तालीम व तदरीस, तबलीग और दावत के मुकद्दस फरीज़े की खातिर अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर दी। तो मेरे अजीज़ों, कुरान मजीद को मजबूती से थामे रहें और उसे उसकी तिलावत को रोज़ाना अपने लिए एक मामूल बना लें। दुनिया में इस इज़्ज़त, उरूज और गुबले का वादा कुरान मजीद को मजबूती से थामने और इस पर अमल करने से मशहूर है। आज अगर हम इस दुनिया में मगलूब बेतौकीर हैं तो इसकी वजह यह है कि हमने कुरान मजीद को तर्क कर दिया है, और हमारा माशरा ईमान व नेकी, तकवा, अमानत व दयानत, सदाकत और शजाअत के बजाय शिर्क, बिदात, जुल्म, बेरहमी, कत्ल कारत, लूट खसूट, अगवा, शराब, जना, जुआ, फहाशी, बेहयाई, बदमनी और बदहाली में मुबतला है। तो इसकी वजह भी यही है कि हमने कुरान मजीद को तर्क कर दिया है। मरहूम इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा है, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिक़ कुरान होकर। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें फिर से मुअज़्ज़ज़ होना है तो कुरान की तालीम को अपनाएं, कुरान सीखें और सिखाएं, कुरान को रोज़ का मामूल बनाएं, रोज़ कुरान पढ़ा करें, और ख़ासकर सूरह बकरा की दो आयात को तो रोज़ाना अपने हर काम के साथ, अपने अपनी हर ज़रूरियात ज़िंदगी को जिस तरह पूरी करते हैं, अंजाम देते हैं, उस तरह कुरान मजीद की इस सूरह बकरा की दो आयात को पढ़ना अपना मामूल बना लें, इसे रोज़ पढ़ें। और फ़ायदा तो हमें ही है, इन दो रोशन आयात को पढ़ने से हम हर तरह के शैतान के शर से महफूज रहेंगे, हमारे ऊपर किसी जादू, किसी बुरी नज़र का असर नहीं पड़ेगा, अल्लाह ताला हमारी हर दुआओं को कबूल फरमाएगा। तो आखिर में मेरे रब से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह सुबहानहु ताला हमें हर नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर उस अमल को करने की तौफीक दे जिससे मेरा रब राज़ी हो, और हर उस अमल से हमें दूर रखे जिसमें हमारे रब की नाराज़गी हो। हमें कुरान को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह सुबहानहु ताला हमें कहने, सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाइए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाइए। आमीन या रब्बिल आलमीन। आप सबको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलें, और कमेंट के ज़रिए मुझे अपने कीमती मशवरों से नवाजें। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।